हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में गूगल क्लासरूम सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे उसमें डाउनलोड कर सकते हो, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी वेब ब्राउजर चालू कर लेना है। तो यहाँ पर हम गूगल क्रोम चालू करेंगे, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल क्रोम ही होगा, इसलिए मैंने गूगल क्रोम का इस्तेमाल करा है। यहाँ पे आपको लिखना है गूगल क्लासरूम फॉर पीसी, सर्च करना है आपको इसे। इसके बाद आपके पास याला पेज आएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ढूंढना है, ये वाला। यहाँ पे लिखा होगा गूगल क्लासरूम गूगल क्रोम, आपको इस वाले पे ही क्लिक करना है, किसी और पे नहीं करना है। इसके बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा गूगल क्लासरूम। तो यहाँ पर आपको करना है एड टू क्रोम, आपको इस पर क्लिक करना है। ऊपर दिखाई देगा आपको ऐड ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। और मैं आपको बता दूं, गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन को लैपटॉप या कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए कोई ऑफिशियल सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आप कोई और अनदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप इसी का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पे आपका गूगल क्लासरूम ऐड हो चुका है, यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हैं। वरना आप नई विंडो ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ कुछ डॉट मिल जाएंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ क्लासरूम, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो इसका एप्लीकेशन है वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे अपनी जो आईडी है सिलेक्ट कर लीजिए कि आप कौन सी आईडी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम आईडी ले लेते हैं एक, ये वाली। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पे आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।